अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में हमने प्रॉक्सी मार्केटिंग की ए टू जी इंफॉर्मेशन, आज के जो सेशन होगा उससे हमने प्रॉक्सी मार्केटिंग ए टू जी सीख लेना है, और इंशाल्लाह ताला आज के सेशन के बाद, बल्कि आज से ही आप लोग अपनी प्रॉक्सी मार्केटिंग के लिए सेलर्स और बायर ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। लिए आप लोगों के लिए जो सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क होगा वो होगा कि आपने मुझे प्रॉक्सी मार्केटिंग से मिनिमम 30,000 अर्न करके दिखाना है। ये आपका टास्क है प्रॉक्सी मार्केटिंग में। ये हमारी फील्ड है ना, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है। प्रॉक्सी मार्केटिंग एक हमारी फील्ड है, वीए में प्रोडक्ट हंटिंग एक हमारी फील्ड है, फिर लिस्टिंग क्रिएशन रैंकिंग वगैरह एक हमारी फील्ड है। तो प्रॉक्सी मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो इस मंथ के एंड तक, इस मंथ के खत्म होने तक, मतलब अगर लास्ट लास्ट फोर फोर है तो नेक्स्ट फोर तक आप सब लोगों ने मुझे प्रॉक्सी मार्केटिंग के थ्रू 30,000 मिनिमम अर्न करके दिखाना है। ये आप लोगों का टास्क होगा, और जो नहीं अर्न करेगा तो उसका मतलब है कि वो उसके अंदर एफर्ट पुट नहीं कर रहा है। बिलीव मी, प्रॉक्सी मार्केटिंग एक ऐसा कोर्स है, एक ऐसा मॉड्यूल है अमेजोन का, जिससे लोग तो 1 लाख रुपीज भी इजीली अर्न कर रहे हैं घर बैठ के, इजीली अपने मोबाइल्स के थ्रू। आपको इसके ऊपर लैपटॉप की जरूरत भी नहीं पड़ती, सिंपल मोबाइल से लोग इसके ऊपर एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। तो मैंने, लेकिन क्योंकि आप लोगों के लिए मिनिमम रखा हुआ है, तो मिनिमम आप लोगों का यही है कि मिनिमम आप लोगों ने इस कोर्स से 30,000 जरूर अर्न करने हैं, जो आप लोगों का टास्क होगा। और उसके बीच बीच में भी हम छोटे छोटे टास्क रखेंगे, मतलब आप लोगों ने बायर ढूंढ के दिखाना है मुझे, आप लोगों ने सेलर से प्रोडक्ट लेके दिखानी है मुझे, सेलर के साथ कॉन्टेक्ट करना है आप लोगों ने। ये आप लोगों के छोटे छोटे टास्क होंगे जो आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं, जो इस वीक में आप लोगों ने लाजमन मुझे परफॉर्म करके दिखाने हैं। और जो नहीं करके दिखाएगा तो वो होपफुली हमारे साथ आगे जो नेक्स्ट वीए का कोर्स है, जो इसके बाद हमने करना है प्रॉक्सी मार्केटिंग के बाद, वो उसमें नहीं आएगा, क्योंकि जो इधर से ही एफर्ट पुट नहीं कर रहा वो तो जाके क्या एफर्ट पुट करेगा। अच्छा जी, हमने जो लास्ट टाइम स्टडी किया था प्रॉक्सी मार्केटिंग का, उसमें हमने ए टू जी स्टडी कर लिया था कि प्रॉक्सी मार्केटिंग का बेसिकली मॉड्यूल होता क्या है, प्रॉक्सी मार्केटर ने करना क्या होता है। उससे आप लोगों के जहनों में एक अच्छा खासा आइडिया क्रिएट हो गया था, एक बहुत ज्यादा आप लोगों के जहन में एक वे क्रिएट हो गया था कि आपने प्रॉक्सी मार्केटिंग में करना क्या है। और प्रॉक्सी मार्केटिंग एक बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है, बहुत ज्यादा सिंपल तरीका जो जिससे हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है जी। उसमें 2 से 3 लोगों के साथ आपने अटैच होना होता है। उसमें प्रॉक्सी मार्केटिंग में सिर्फ 3 करेक्टर होते हैं। एक करेक्टर होता है आपका बायर, ठीक है, जिसके साथ आपने डीलिंग करनी होती है। एक करेक्टर आप खुद होते हैं, जिसको आप एज अ मिडिल मैन कह लें, कि आप किसी की प्रोडक्ट उठाते हैं और उसे आगे बायर को देते हैं, उससे उस बायर की प्रोडक्ट के ऊपर सेल आती है और उस सेलर की प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू आता है, और वो सेलर आपके बायर को रिफंड करता है और आपको कमीशन देता है। सेकंड करेक्टर इसमें आपका है। थर्ड करेक्टर एज एन सेलर है या एज एन पीएमएम है, ठीक है जी। तो 3 करेक्टर होते हैं इसके अंदर, चौथा और भी करेक्टर नहीं होता, या अगर आप कह लें कि चौथा एक अलॉगरिथम होता है जिसके साथ आप लोगों ने डीलिंग करनी होती है। और वो अलॉगरिथम किस कौन सा अलॉगरिथम होगा, वो अमेजोन का अलॉगरिथम होगा, और उसको भी आज हम स्टडी करेंगे कि अमेजोन के एल्गोरिथम से किस तरह हम लोग बच के आगे जा सकते हैं, किस तरह हम एक सेफ वे के साथ प्रॉक्सी मार्केटिंग कर सकते हैं और उसे अर्निंग कर सकते हैं, बायर के साथ किस तरह हमने कॉन्टेक्ट करना है उसकी एक लाइव एग्जाम्पल भी देखेंगे, उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखी है उसको भी हम देखेंगे, और सेलर के साथ किस तरह बात करनी है, ये सब चीजें आज हम देखेंगे। तो ये जो चीजें थी, ये जो 6 पॉइंट मैंने आपके लिए लिखे रखे हैं, ये तो हम सबको क्लियर हो गए थे क्योंकि हमने इसको लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अब हम आ जाते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ, कि प्रॉक्सी मार्केटिंग के बहुत सारे ग्रुप्स हैं। मैंने आज आप लोगों को जो ग्रुप सेंड किए हैं वो कौन से ग्रुप हैं, वो बायर्स के ग्रुप हैं। यहाँ आपको जो मैंने 10 ग्रुप आपको सेंड किए हैं, यहाँ आपको लातदाद बायर्स मिलेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे लोग पोस्टर लगाते हैं अपनी प्रोडक्ट की, यहाँ बेसिकली कौन पोस्टर लगाते हैं, यहाँ पे 99% प्रॉक्सी मार्केटर्स होते हैं, यहाँ पे 99% प्रॉक्सी मार्केटर्स होते हैं उन ग्रुप्स में, जो अपनी प्रोडक्ट की पोस्ट लगाते हैं, उन पोस्ट के नीचे बायर जाते हैं और वो उनसे राबता करते हैं, ठीक है जी। तो ये एक तरीका हो गया। अब बायर, मैंने आपको बताया था कि बायर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्रोफेशनल बायर, एक होता है प्रोफेशनल बायर, दूसरा होता है नॉन प्रोफेशनल बायर। आपको अपनी जिंदगी में, प्रॉक्सी मार्केटिंग की लाइफ में, आपको 2 तरह के ही बायर मिलेंगे, और 2 तरह में से जो मोस्टली आपको बायर मिलेंगे वो प्रोफेशनल बायर मिलेंगे, जो कि 90% इन ग्रुप्स में जो बायर्स हैं वो प्रोफेशनल बायर्स होते हैं। इनको पता होता है क्या मॉड्यूल है, इनको पता होता है कैसे चलना है, आपको ज्यादा इनके ऊपर सरकपाई करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है जी। और कुछ होते हैं एज ए नॉन प्रोफेशनल बायर, जो एज एन वर्जन बायर कह लें, जो भी नए नए होते हैं,
उनको नहीं पता होता, फिर उनको आपको थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है। और ऑब्वियसली गाइड किस तरह करना है, क्या चीजें हैं, वो हमने पीछे भी स्टडी की थी और हम आज दोबारा स्टडी करेंगे इस चीज को। प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर्स, आपको पता लग गया, आपके पास खजाना आ गया, आपके पास टेक्निक आ गया कि मैंने बायर से यहाँ से पकड़ने हैं। आपको पता लग गया कि हजारों लाखों ग्रुप्स हैं जहां से मुझे बहुत सारे बायर्स मिल जाते हैं, बायर्स की कमी नहीं है। लेकिन एक उसके ऊपर रुकावट है कि आपके पास प्रोडक्ट्स भी तो होनी चाहिए, आपके पास सेलर भी तो होना चाहिए, आपके पास प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर भी तो होना चाहिए। तो वो कहाँ से ढूंढना है, बहुत ईजी है। मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लो, आप लोगों को टेंशन होनी ही नहीं चाहिए कि सर ये हम कहाँ से पकड़ेंगे, वो हम कहाँ से पकड़ेंगे। आपको पता है कि प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर, फेसबुक पे जाए, फेसबुक पे सर्च बार पे जाके लिखें फेसबुक ग्रुप्स ऑफ प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर्स या प्रॉक्सी मार्केटिंग ग्रुप्स, सिंपल प्रॉक्सी मार्केटिंग ग्रुप्स, आपके सामने हजारों ग्रुप्स आ जाएंगे, हजारों ग्रुप्स आ जाएंगे। आज हम एक ग्रुप देखेंगे भी, जो सबसे डोमिनेंट ग्रुप है उसको भी देखेंगे। उन ग्रुप्स में क्या है, उन ग्रुप्स में प्रॉक्सी मार्केटर्स बैठे हुए हैं, उन ग्रुप्स में सेलर्स बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि हमें प्रॉक्सी मार्केटर्स हमारे अचीव करें, हमारे हमारे पास हैं, हमसे बात करें, हम उनको प्रोडक्ट्स देंगे, वो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज लेके हैं। वो लोग तो ढूंढ रहे होते हैं, सेलर्स भी ढूंढ रहे होते हैं और प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर्स भी ढूंढ रहे होते हैं। आपने क्या करना है, आपने सिंपल या तो एक पोस्ट लगा देनी है या उनको हंट करना है। किस तरह हंट करना है, किस तरह पोस्ट लगानी है, वो चीज आज हम देख लेंगे, ठीक है जी। उससे आगे मैंने जो चीज स्लाइड बनाई है कि एक तो एथिक्स होते हैं बेसिकली बायर को बात करने के लिए, लेकिन ये जो दो स्लाइड है ये भी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, अभी हम यहाँ पे रहते हैं कि सेलर्स कहाँ से ढूंढने और प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर्स कहाँ से ढूंढने। प्रोडक्ट मिलेगी तो हम आगे बायर के पास जाएंगे ना। माइंड को क्लियर कर लें, सबसे पहला स्टेप आपने प्रॉक्सी मार्केटिंग में क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आज का लेक्चर खत्म होने के बाद सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, आपने प्रॉक्सी मार्केटिंग ग्रुप में जाके धब्बा बोल देना। वहां जाके आपका सबसे पहला काम क्या है कि आपने एक सेलर या मल्टीपल सेलर, या बहुत अच्छी बात है कि अगर आप एक प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर के साथ अटैच हो जाए, क्योंकि अगर आप एक प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर के साथ अटैच होते हैं ना तो आपको हजारों की रेंज में प्रोडक्ट्स मिल जाती है। तो देखते हैं जी प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर्स कहाँ से ढूंढ सकते हैं हम। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल आपको यहाँ पे फेसबुक ऊपर नजर आ रहा है, फेसबुक के ऊपर मैंने सिंपल जाके टाइप किया है कि मुझे प्रॉक्सी मार्केटिंग ग्रुप चाहिए। ये देखें लिखा हुआ है सर्च बार में प्रॉक्सी मार्केटिंग, मैंने सिंपल लिख के सर्च किया, फेसबुक ने मुझे प्रॉक्सी मार्केटिंग ग्रुप में ले आया, प्रॉक्सी मार्केटिंग AMZ, ये सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है जी, जो अभी वर्किंग कर रहा है प्रॉक्सी मार्केटिंग के अंदर, ठीक है जी। यहाँ पे डेली बेसिस पे पोस्टें लगती हैं। अब इस ग्रुप में जो ज्यादातर लोग हैं वो सेलर हैं और प्रॉक्सी मार्केटर हैं, उसी तरह ये बेसिकली, हाँ ये है बेसिकली सबसे बड़ा ग्रुप AMZ मार्केटिंग का, AMZ मार्केटिंग का ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप है। और मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल भी निकाल के रखी है, मैं ऊपर देख रहा था तो मुझे मेरे सामने ये एग्जाम्पल आई, ये लड़की क्या कहती है, ये लड़की नई नहीं आई है, इसको पहले इसने पोस्ट लगाई है कि वेयर आई कैन स्टार्ट वर्किंग एज अ PM, बिल्कुल आपकी तरह मेरे भाई, बिल्कुल आपकी तरह ये जीरो पे बैठी हुई है, जीरो पे ग्रुप में आई है, AMZ ग्रुप में आई है और एक पोस्ट लगाई है कि मैं प्रॉक्सी मार्केटिंग कहां से स्टार्ट कर सकती हूं। नीचे देखते हैं कमेंट में, देखें मेरे सामने कमेंट नजर आ रहा है मुझे, ये नीचे एक प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर आई हुई है, एक प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर आई है फातिमा जहरा। अब लड़कियां हैं तो वो लड़कियों के साथ अटैच हो सकती हैं, लड़के हैं तो वो लड़कों के साथ अटैच हो जाए, कोई इसके ऊपर बंदिश नहीं है, कोई इसके ऊपर बंदिश ही नहीं है। अब इसने पोस्ट लगाई है, नीचे आके ये जो प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर है या सेलर है या जो भी है वो कहती है कि मुझे पाकिस्तानी PMs चाहिए, मुझे आप लोग चाहिए, मुझे प्रॉक्सी मार्केटर चाहिए, उनको मैं $4.5 से $7 कमीशन दूंगी। मतलब एक रिव्यू के पीछे उनको $4.5 से लेकर $7 तक मिल सकता है। कितनी अच्छी प्रॉक्सी मार्केटिंग है ये, कितना अच्छा सेलर, कितनी अच्छी सेलर है या कितनी अच्छी ये PMM है, ऑब्वियसली। अब जो लड़की है ये आज ज्वाइन करें, मैं इनको ये पोस्ट भी शेयर कर दूंगा और ये ग्रुप का लिंक भी शेयर कर देता हूँ, लड़कियों को तो यहाँ पे बैठे बैठे मिल गया ये। और लड़कों के लिए क्या है, यहाँ पे 14 आंसर्स आए हुए हैं, 14 लोगों ने यहाँ पे आंसर किए हुए हैं। अब 14 लोगों में से लड़के भी बहुत सारे होंगे, मेल प्रॉक्सी मार्केटर्स भी बहुत सारे होंगे और फीमेल प्रॉक्सी मार्केटर्स भी बहुत सारे होंगे, ये जैस्मीन रोए, ठीक है, ये मुबशर हुसैन, एनी ऑनेस्ट PMM हेयर, देखे ना ये भी ढूंढ रहे हैं,
ये सारे यहाँ पे पीएमएम्स ढूंढ रहे हैं, आप लोगों ने भी इस तरह ही जाना है ग्रुप्स में और एक पोस्ट लगानी है। सिंपल पोस्ट क्या लगानी है, मैं एक ऑनेस्ट प्रॉक्सी मार्केटर हूँ, मैं एक ऑनेस्ट प्रॉक्सी मार्केटर हूँ और मुझे पीएमएम चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में, स्टार्ट में आप लोग पीएमएम के साथ वर्किंग करेंगे। रीजन क्या है इसकी, क्यों मैं आपको कह रहा हूँ कि स्टार्ट में आप लोग पीएमएम के साथ वर्किंग करेंगे, क्योंकि आप लोगों का पेपॉल नहीं है। आप लोग अभी एक महीना डेढ़ महीना स्किल लें और देखें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि स्किल लेने में भी आपको पैसे मिलेंगे, 30-40 हज़ार आप स्किल लेते लेते कमा लेंगे। ठीक है जी, तो ग्रुप में जाना है, सिंपल है, पोस्ट लगाएंगे मुझे पीएमएम चाहिए, यहाँ पे हजारों पीएमएम आ जाएंगे आपके पास। जिस तरह इसके पास आया है, ये देखिए इसने ऑफर भी कराई है, मतलब इसको पीएमएम, इसको पीएम चाहिए, इसको प्रॉक्सी मार्केटर चाहिए, ये पीएमएम है, इसको प्रॉक्सी मार्केटर चाहिए और ये कितना अच्छा रेट लगा रही है, $4.5 to $7। पाकिस्तान में $3 चल रहा है और इसने $4.5 to $7 लगाया हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है जी, इसी तरह इनबॉक्स इस सेलर ने भी इसको कहा भाई, जैस्मिन रॉय है, अब ये एक फैसलाबादी है, ये भी इसका मतलब है पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी है तो मतलब पीएमएम है, पाकिस्तानी है तो मतलब पीएमएम है, अंग्रेज है तो मतलब सेलर है, क्योंकि अंग्रेज लोग ये पीएमएम वाला काम नहीं करते। समझ ले, एल्गोरिथम समझे जरा, लिख लें ये चीज, पाकिस्तानी आपके साथ, आपके साथ कॉन्टेक्ट करेगा, आपको पीएम हायर करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तानी पीएमएम है, उसने ग्रुप्स बनाए हुए जिसमें आपकी तरह के बहुत सारे प्रॉक्सी मार्केटर्स होंगे, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेगा या फेसबुक ग्रुप में ऐड कर लेगा। लेकिन अगर सेलर होगा वो आपको किसी ग्रुप में ऐड नहीं करेगा, वो सिंपल आपको अपनी प्रोडक्ट दे देगा और कहेगा कि इसके ऊपर रिव्यू लेके आओ। ठीक है जी, तो ये है बेसिकली ग्रुप, एएमजी मार्केटिंग ग्रुप, जो सबसे बड़ा ग्रुप पाकिस्तान में वर्किंग कर रहा है। इस ग्रुप में ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि अंग्रेज भी है, इस ग्रुप में चाइनीज भी है, चाइनीज सेलर सबसे अच्छे सेलर होते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं, सबसे ज्यादा पैसे भी वही देते हैं। ठीक है जी, तो ये एक आप लोगों के सामने लाइव एग्जांपल, इस बंदी को बैठे बैठे 2 से 3 प्रॉक्सी मार्केटर्स मिल गए। ये क्या एक प्रॉक्सी मार्केटर के साथ अटैच हो सकती है? अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक के साथ अटैच हो जाओ, आप 2 के साथ अटैच हो जाओ, आप 10 के साथ अटैच हो जाओ, जितनी एफर्ट करोगे उतनी ज्यादा अर्निंग होगी, जितनी एफर्ट करोगे उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। ठीक है जी, अब आप लेट्स सपोज 2 के साथ अटैच होते हो, 2 प्रॉक्सी मार्केटर के साथ अटैच होते हो, एक आपको 100 प्रोडक्ट देता है, दूसरा आपको 200 प्रोडक्ट देता है, टोटल 300 प्रोडक्ट होगी आपके पास। अब आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो इसका मतलब है ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि बायर आपकी प्रोडक्ट को पसंद कर लेगा, क्योंकि उसके पास वैरायटी बहुत ज्यादा होगी बायर के पास। आप जब भी बायर को अपनी 300 प्रोडक्ट भेजोगे वो कोई ना कोई तो पसंद करेगा, तो इसका मतलब है ज्यादा अपॉर्चुनिटी, अर्निंग की ज्यादा अपॉर्चुनिटी। स्टार्टिंग में आप लोग एक के साथ अटैच हो जाओगे तब भी बेस्ट है, तब भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर लोगे। ठीक है जी, तो एक चीज तो यहीं से क्लियर होगी कि हमने पीएमएम कहां से ढूंढने हैं भाई, पीएम का बताया जी, हमें पीएमएम कहां से ढूंढेंगे। तो इन ग्रुप्स में पीएमएम भरे पड़े हैं, खासकर इस ग्रुप में जो आपके सामने मैंने खोला हुआ है, एएमजी मार्केटिंग का ग्रुप, इसका मैं लिंक भी आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर देता हूं। ये जो ग्रुप है ये सबसे मेन ग्रुप है प्रॉक्सी मार्केटर्स पीएमएम्स ढूंढने के लिए, प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर्स ढूंढने के लिए। ठीक है जी, अब इससे थोड़ा सा आगे आ जाते हैं हम लोग, एक क्लियर होगी, एक चीज क्लियर होगी हमारी कि प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर्स कहां से ढूंढने हैं। ठीक है जी, या बायर्स कहां से ढूंढने हैं। अब मुझे तो प्रॉक्सी मार्केटिंग छोड़े भाई पता नहीं कितना साल हो गया है, मुझे तो साल डेढ़ साल हो गया प्रॉक्सी मार्केटिंग छोड़े, तो मेरे पास ये ग्रुप्स कहां से आए भाई? बहुत सिंपल है, अपनी फेसबुक आईडी पे जाएं, वहां सर्च बार में लिखें एएमजी मार्केटिंग, वहां लिखें प्रॉक्सी मार्केटिंग, आप लोगों के सामने हजारों ग्रुप्स आ जाएंगे, उन सबको ज्वाइन करें, वहां से जाके सेलर या प्रॉक्सी मार्केटर्स ढूंढने, आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाए एक दफा आपके पास प्रोडक्ट आ गए। ठीक है जी, आपके पास प्रोडक्ट आ गई, लेट्स सपोज उससे आगे क्या करना है, उससे आगे जाना है उन ग्रुप्स में जहां पे बायर्स होंगे। आपका काम 50% काम आपका खत्म हो गया, रिलैक्स हो गए, 50% रिलैक्स हो गया कि आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है। अब आपके पास 100-150-200 प्रोडक्ट है, आप एक प्रॉक्सी मार्केटिंग के अंदर, प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर के अंदर काम कर रहे हो, आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। अब उस प्रोडक्ट को लेके जाना कहाँ पे है, उन प्रोडक्ट्स को लेके जाना है इन ग्रुप्स में, बायर्स के ग्रुप में। मैंने फेसबुक ऊपर क्या टाइप किया, Amazon बायर ग्रुप, उसने मुझे लाके दिखा दिया बायर ग्रुप और रिलेटेड पेज भी दिखा रहा है, मैं इन सब पेजेस को लाइक भी कर लूंगा, इनको फॉलो भी कर लूंगा, ज्वाइन भी कर लूंगा, तो भर जाए आपकी फेसबुक की आईडी, भर जाए बायर्स के ग्रुप के साथ।
अगर बस प्रोडक्ट आ गई उसके बाद आपने अपनी फेसबुक आईडी को भर देना है बायर्स ग्रुप के साथ। बायर्स ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं? बायर्स ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जहां पे पोस्टें लगती हैं प्रोडक्ट्स की। एक तो सेलर्स के ग्रुप थे ना ये वाले, जहां प्रॉक्सी मार्केटर्स के या प्रॉक्सी मार्केटर्स मैनेजर्स के ग्रुप लगते थे, पोस्टें लगती थी या उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होता था वो यहां पे पोस्ट करते हैं प्रॉक्सी मार्केटर्स या प्रॉक्सी मार्केटर्स मैनेजर्स। दूसरे ग्रुप है बायर्स ग्रुप, जहां पे प्रॉक्सी मार्केटर्स अपनी प्रोडक्ट्स की पोस्टें लगाते हैं। जिस तरह ये एक प्रॉक्सी मार्केटर है, ये एक प्रॉक्सी मार्केटर है, इसने पोस्ट लगाई हुई है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है और सिर्फ ये यूएसए के लिए है। मैंने आपको एक बात बताई थी, जोन सी प्रोडक्ट होगी सिर्फ उसी मार्केट के बायर को उसे सेल करनी है। आपके पास क्लाइंट आया है कहता है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन यूएसए के लिए है, तो आपके ऊपर लाजिम है बल्कि फर्ज है कि आप अमेजोन यूएसए वाले बायर के अलावा किसी और बायर को वो प्रोडक्ट ना दें। ये ना हो कि आप यूएसए की प्रोडक्ट उठाकर यूके कनाडा वाले को दे रहे हो। ये चीज आपने कंफर्म करनी है, चीज आपने कंफर्म करनी है कि बायर सेम मार्केट का होना चाहिए। इसने क्या किया, इसने अपनी पोस्ट लगाई हुई है। अब मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट को बेचने का दो दो तरीके होते हैं। एक तरीका आपके सामने ये पोस्ट लगा ले, आप अपनी ग्रुप में जाएं, ग्रुप में जाके पोस्ट लगा ले। पोस्ट किस तरह लगाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मतलब हम लोग बहुत ही, अगर हमें से किसी को ये नहीं पता कि ग्रुप्स में जाके पोस्टें किस तरह लगाई जाती हैं, हम लोग बहुत ही मतलब एक 100-150 साल पीछे से डिपेंड करते हैं, तो पोस्ट लगाना भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ पोस्ट किस तरह लगाते हैं। यहाँ पे आ जाए अभी, इसने पोस्ट लगाई है, इसने बता दिया कि मेरे पास यूएसए के लिए होनी चाहिए, बायर जो मेरे से कॉन्टेक्ट करें सिर्फ यूएसए वाले होने चाहिए। उसने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बताई कि रिफंड आफ्टर रिव्यू। भाई जान, रिव्यू दोगे, रिव्यू लाइव होगा तब आपको रिफंड मिलेगा, ठीक है जी। इफ यू आर इंटरेस्टेड पीएम मी, अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझे पर्सनल मैसेज कर दो। पीएम का मतलब होता है पर्सनल मैसेज, डीएम का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज, ठीक है जी। इन चीजों से फेमिलियर हो जाए आप लोग। पीएम मतलब पर्सनल मैसेज, डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज। उसने लगा दी नीचे, भाई देखें नीचे आगे बायर्स, ये लोग हैं बायर्स जो नीचे कमेंट करते हैं। ये देखें, ये एक बंदे ने कमेंट किया हुआ है, ये बिली लेविस, इसने कहा हुआ मैं इंटरेस्टेड हूं। अब इंटरेस्टेड वर्ड प्रॉक्सी मार्केटर्स की लाइफ में बहुत ज्यादा अहमियत कहां मिला। आपको कहीं भी कोई बंदा नजर आए इंटरेस्टेड का, उसने लिखा हुआ इंटरेस्टेड, मतलब वो बायर है। आपको पोस्टों के नीचे कहीं भी कोई बंदा नजर आए जो कहे कि मैं इंटरेस्टेड हूं, इसका मतलब है वो बायर है। और 99% बायर इन ग्रुप्स में प्रोफेशनल बायर होते हैं, ठीक है जी। अब उसने कहा है कि मैं इंटरेस्टेड हूं, ये जो सेलर है जिसकी ये प्रोडक्ट है वो इसके पास जाएगा, इसको पर्सनल मैसेज करेगा, ठीक है जी, इसको पर्सनल मैसेज करेगा और इसको ये प्रोडक्ट बेचेगा, ठीक है जी। ये हो गया एक मेथड, ये हो गया प्रोडक्ट को सेल करने का एक मेथड, जो बहुत इजी सा है कि प्रोडक्ट की पोस्ट लगाओ और ये वो करो। सेकंड मैसेज क्या है, सेकंड टाइप क्या है प्रोडक्ट को बेचने की, अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग की, और जो मोस्टली हम लोग करेंगे वो ये होगा कि इन ग्रुप्स में हम डेली बेसिस पर जाएंगे। मैं जी रात को 12 बजे आया हूँ, अपनी फेसबुक खोली है, मैं इस ग्रुप में चला गया हूँ अमेजोन बायर ग्रुप के अंदर, मेरे पास यूएसए की प्रोडक्ट्स पड़ी है सारी, और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक बंदे ने पोस्ट लगाई थी यूएसए की और नीचे एक बंदे ने कमेंट किया हुआ है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। मतलब अगर इसने यूएसए की पोस्ट के नीचे कमेंट किया है तो इसका मतलब ये यूएसए का बंदा है और ये है भी न्यूयॉर्क का। तो सबसे पहले मैं इसकी आईडी वेरीफाई करूंगा, ये फीमेल है, मैं इसकी आईडी वेरीफाई करूंगा। आप देखें इसने पोस्टें भी लगाई हुई है, इसका मतलब है कि वाकई में ये एक यूएसए की बंदी है, तो मैं पीछे जाऊंगा और मैं इसको पर्सनल मैसेज कर दूंगा, मैं इसकी आईडी में जाके मैं इसको एक डीएम कर दूंगा, इसको एक पर्सनल मैसेज कर दूंगा और मैं इसको कहूंगा कि मेरे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं और फलां फलां मेरी प्रोडक्ट ले लो। सेकंड मैसेज होता है कि कमेंट्स में से बंदे उठाना, कमेंट्स में से बायर उठाना। एक मेथड होता है पोस्ट लगाओ, बायर खुद आपको अप्रोच करेंगे। दूसरा मेथड क्या है कि आप बायर को अप्रोच करो। आपने दोनों मेथड करने हैं। अब लेकिन हम लोग क्यों ज्यादातर इस मेथड के साथ जाते हैं कि हम दूसरों की पोस्टरों के नीचे जो कमेंट होते हैं बायर्स के, उनको अप्रोच करते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा होती हैं, हमारे पास 150-200 प्रोडक्ट होती हैं, और क्या हम 150-200 प्रोडक्ट की पोस्ट नहीं लगा सकते?
हमने एक दिन में एक ही प्रोडक्ट की पोस्ट लगानी होती है, लिख लें ये चीज, लिख लें सारे लोग ये चीज लिख लें कि एक दिन में एक ही प्रोडक्ट की पोस्ट लगानी है आप लोगों ने, मल्टीपल प्रोडक्ट्स की पोस्ट है नहीं लगानी है आप लोगों ने। तो एक दिन में एक प्रोडक्ट की पोस्ट तो लगा दी, बाकी प्रोडक्ट्स कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए ऑब्वियसली हम मैसेंजर के थ्रू ही बाकी प्रोडक्ट्स भेज सकते हैं। तो उसके लिए ये होगा कि हम इन कमेंट्स में से बायर को अप्रोच कर ले। अब ये एक बायर मैंने देखा कि ये एक यूएसए का बायर है, इसकी एक जेन्युइन आईडी है, ये रियल बायर है, तो मैं इसको जाऊंगा, इसको अप्रोच करूंगा और इसको अपनी प्रोडक्ट सेल करूंगा। ठीक है जी, मैं किस तरह इसको अपनी प्रोडक्ट सेल करूंगा? अब उसकी एक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट सेव की हुई है, जो एज एन जब मैं प्रॉक्सी मार्केटिंग करता था तब की मैंने रखी हुई है। अच्छा जी, डाउनलोड फोटो ये आ गई। अच्छा, इसके बाद और भी ओपन करने, एक सेकंड मैं सारी इमेजेस ओपन कर लूँ। मैंने कमेंट से एक बायर की आईडी में चला गया। लेट्स सपोज ये मेरा बायर है, ये एक यूएसए का बंदा है, ये एक यूएसए का बंदा है, ठीक है जी। मैंने इसको कमेंट करना है, मैं ये एक बायर है, मैंने इसको अप्रोच किया, मैं इसकी आईडी में चला गया और इसको डीएम किया मैंने। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अंग्रेज बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, अंग्रेज बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो हमने बिल्कुल ही इनको जाके सीधा जाके अप्रोच नहीं कर देना, ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं जो इसका कमेंट है, जहां पे इसने कमेंट किया हुआ है, यहाँ पे इसने कमेंट किया हुआ है, इसके कमेंट में मैं रिप्लाई में लिख दूंगा चेक पीएम, जिस तरह इस बंदे ने किया हुआ है। ये रसिका रॉबिन्स कोई पाकिस्तानी है, इसने नाम इस तरह का रखा हुआ है। लेट्स सपोज ये मैं हूं, मैंने इसको इसके कमेंट पे रिप्लाई कर दिया कि आप अपना पर्सनल मैसेज चेक करें। अब इस बंदे ने क्यों किया हुआ है, क्योंकि इसको पता है कि ये प्रोफेशनल बायर है। तरीका ये है, तरीका ही ये है कि हम लोग जो कमेंट्स में जो बायर होते हैं उनको अप्रोच करते हैं। अब ये एक बायर है, हालांकि इसने इंटरेस्टेड तो इस प्रोडक्ट पे कहा हुआ है, तो मैं क्यों इसको कहूंगा कि आप पीएम चेक करो या इसको अपनी प्रोडक्ट क्यों दिखाऊंगा? क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल बायर है, इनको पता होता है कि अगर मैं कमेंट में इंटरेस्टेड लिख दूंगा तो ना सिर्फ ये वाला प्रॉक्सी मार्केटर बल्कि और बहुत सारे प्रॉक्सी मार्केटर्स जो इस ग्रुप में हैं वो भी मुझे अप्रोच करेंगे, ठीक है जी। तो मैं इस ग्रुप में एक्टिव रहूंगा, इस तरह के जितने भी ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किए हुए बायर्स के, उस ग्रुप में एक्टिव रहूंगा और मैं देखूंगा कि जो पोस्टें लगती हैं उनके नीचे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया हुआ इंटरेस्टेड का। अब लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट अभी 1 घंटा पहले ये पोस्ट लगी है और ये नया नया बंदा इसने अभी 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 कमेंट किया इंटरेस्टेड, और किसी और प्रॉक्सी मार्केटर ने, किसी और इस तरह के प्रॉक्सी मार्केटर ने उसको अप्रोच नहीं किया, तो सबसे पहले इसको मैं अप्रोच करूंगा, इसको मैं कहूंगा चेक पीएम, ठीक है जी। ये एक हम्बल तरीका है, उससे ये लोग फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, इनको यहाँ पे नोटिफिकेशन चला जाएगा कि इस बंदे ने मेरे कमेंट के नीचे कमेंट किया है और ये मुझे कह रहा है कि आप अपना प्रॉक्सी, आप अपना पर्सनल मैसेज चेक करें, आप अपना मैसेंजर चेक करें। वो क्या करेगा, वो इसके बाद चला जाएगा अपने पर्सनल मैसेज में और पर्सनल मैसेज में उसको मेरा मैसेज नजर आएगा। मैं इसे कहूंगा कि हेलो हाउ आर यू, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल, एक ग्रीटिंग के साथ आपने स्टार्ट करना है। आपने सबसे पहले उसको ग्रीटिंग देनी है, होप यू आर फाइन, इस तरह हाउ आर यू, ठीक है। फिर उसको बताना है कि मैं एक प्रॉक्सी मार्केटिंग एजेंट हूं और मेरे पास बहुत सारी फ्री प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी फ्री प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। अब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि क्यों फेसबुक हमारे अकाउंट ब्लॉक कर देता है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना होता है फ्री प्रोडक्ट्स और फेसबुक इस चीज को नहीं अलाउ करता है, तो तब वो हमारे जो अकाउंट है उसको ब्लॉक कर देता है। तो इसकी, इससे बचने की भी एक फिलोसफी है, उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने उसे उसकी ग्रीटिंग की, उसे बताया कि मेरे पास बहुत सारी फ्री प्रोडक्ट्स हैं, इफ यू अलाउ मी कैन आई शो यू द लिस्ट ऑफ माई प्रोडक्ट्स, बहुत हम्बल रह के, क्योंकि फ्रस्ट्रेट ना हो, क्योंकि आपने, आपका ऐसी टाइप का बाय वो आज आपसे एक प्रोडक्ट लेगा तो कल क्या पता आपसे सारी प्रोडक्ट्स ले ले, ठीक है जी। तो उससे पूछे क्या मैं आपको अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्ट शो करा सकता हूँ, नीचे कहेगा यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉप हुआ हुआ है, वो कहेगा कि यस यू कैन। जब वो कहेगा यस यू कैन, तब मैं दूसरी जगह पे आ जाऊंगा, तब मैं उसको ये कहूंगा।
ये आ गया, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। अच्छा जी, इसने कहा यस यू मे, कह दिया। तब यहां से मैं इसको अपनी सारी प्रोडक्ट्स जो मेरे पास हैं, जो मेरे पास शीट में मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, जो मेरी शीट मुझे प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर ने दी हुई है, उस शीट से उठा के सारी प्रोडक्ट्स मैं इसको दे दूंगा। मोस्टली क्या होता है, उस शीट में जो प्रोडक्ट्स होती है ना, उनके ऊपर लिंक दिए होते हैं, तो लिंक शेयर करना, प्रोडक्ट का लिंक शेयर करना अलाउ नहीं होता। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जो लिंक्स को यूज करके पहले जो प्रोडक्ट्स पे जाते हैं आप लोग, और उन प्रोडक्ट पे जो इमेजेस होती है ना, जो अमेजोन के ऊपर उन प्रोडक्ट्स की इमेजेस होती हैं, उनको क्रॉप करके अपने पास सेव कर लेते हैं। और जब कोई बायर आता है तो आप उन्हें ये सारी इमेजेस इमेजेस सिर्फ सेंड कर देते हैं, ठीक है जी। तो आप बायर को कहते हैं कि आपको कौन सी प्रोडक्ट पसंद आई है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। जब आपने उसको इमेजेस सेंड कर देनी है तो आपने उसको कहना है कि प्लीज लेट मी नो विच प्रोडक्ट डू यू वॉन्ट टू ऑर्डर, कि मुझे बताएं कि आप कौन सी प्रोडक्ट पसंद करते हैं और उसको ऑर्डर करना चाहते हैं। वो इस तरह आपको रिप्लाई में आपकी प्रोडक्ट की इमेज सेंड कर देगा कि मैंने ये वाली प्रोडक्ट पसंद की है, मुझे ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, ये वाली लेट्स ये वाली प्रोडक्ट चाहिए। तब आप उसे प्रोडक्ट का कीवर्ड सेंड करेंगे। कीवर्ड क्यों सेंड करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपका जो सेलर होगा वो आपको कहेगा कि हर प्रोडक्ट को आपने लाजिम कहना है अपने बायर को कि वो कीवर्ड टाइप करके अमेजोन के ऊपर जाए, कोई कीवर्ड टाइप करके अमेजोन के ऊपर जाए। जो भी बायर होगा वो किसी कीवर्ड को टाइप करेगा और अमेजोन के ऊपर जाएगा, ना कि डायरेक्ट लिंक को क्लिक करेगा और उधर जाएगा। अगर डायरेक्ट लिंक के थ्रू जाएगा ना बायर आपका अमेजोन के ऊपर, तब आपका अकाउंट ब्लॉक होने के ज्यादा चांसेस। तो इसलिए आपने बायर को कहना है कि आप कीवर्ड टाइप करेंगे और कीवर्ड के थ्रू उधर जाएंगे। आपने उसको कीवर्ड बताना है कि कीवर्ड है इसका स्किन टैग रिमूवर, ये कीवर्ड है, और इसका सोल्ड बाय क्या है, इसका सेलर कौन है, यूएसए शॉप इसका सेलर है, ठीक है जी। ठीक है, उसने उसको ये चीजें पता लग गई। आपने उसको फिर आगे क्या बताना है, आपने उसको आगे बताना है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन। अब आप आ जाते हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे। उसको प्रोडक्ट पसंद आ गई, आपने कीवर्ड और सोल्ड बाय बता दिया, आपने बताया कि मुझे अपनी जो स्क्रीनशॉट ऑफ योर रिव्यूअर आईडी, जो तुम्हारी बायर आईडी है, उसकी मुझे एक स्क्रीनशॉट सेंड कर दे, ठीक है जी। एंड प्लीज प्लीज सेंड मी दी स्क्रीनशॉट ऑफ योर ऑर्डर एज सून एज यू प्लेस दी ऑर्डर। सेकंड चीज आपने टर्म्स एंड कंडीशन में क्या बतानी है कि आप जब ऑर्डर कर देंगे तो मुझे उस ऑर्डर की आईडी की एक स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। अमेजोन के ऊपर हर जब भी कोई बायर ऑर्डर करता है तो बायर उसको एक अमेजोन उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर आईडी नंबर दे देता है, अमेजोन उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर आईडी नंबर दे देता है। ये आपने उसको बता दिया अपने टर्म्स एंड कंडीशन, दो पॉइंट्स में बता दिया। अब वो आगे आएगा और आगे अब वो आपको अपनी ऑर्डर अपनी जो उसकी प्रोफाइल है, बायर अकाउंट है, उसकी एक स्क्रीनशॉट सेंड करती है उसने। उसने कहा ओके, क्योंकि प्रोफेशनल बायर था, उसको पता है कि जो होते हैं हमारे प्रॉक्सी मार्केटर्स वो ये चीजें मांगते हैं। वो आपको इस तरह की अपनी एक ऑर्डर आईडी की या अपनी एक बायर आईडी की स्क्रीनशॉट सेंड करेगा। ये ऑर्डर आईडी की स्क्रीनशॉट है, आपने उसे बायर अकाउंट की भी स्क्रीनशॉट मांगनी है। अगर नहीं देता तो कुछ कोई बात नहीं है, ठीक है जी, आपने उसे कहना जरूर है। जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो तब आपको वो ये ऑर्डर आईडी व्यू ऑर्डर डिटेल्स इसकी एक स्क्रीनशॉट सेंड कर देगा। उसमें ये जो सेकंड ऑप्शन है ये ऑर्डर आईडी का है, ये थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन होपफुली आप इसको अंडरस्टैंड कर देंगे। ये ऑर्डर आईडी है 113 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये उसने आपको सेंड कर दी। ये आपने किसको सेंड करनी होती है, या आपने अपने सेलर को या आपने प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर को सेंड सेंड करनी होती है। उसके बाद आपने कहना है कि मुझे अपनी पेपॉल आईडी सेंड कर दी, जिसके ऊपर आपने अपने बायर को रिफंड करना है। आप उसे अपने पेपॉल आईडी का कहेंगे ना, आप कहेंगे कि मुझे अपनी पेपॉल आईडी सेंड करो, तो वो कहेगा कि ये एक जेन्युइन प्रॉक्सी मार्केटर है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये पेपॉल आईडी इसीलिए मांग रहा है ताकि ये मुझे रिफंड करवा सके। अगर आप नहीं मांगेंगे तो तब उसके जहन में कोई खलल या कोई शक पैदा होगा, तो वो पेपॉल आईडी जरूर मांगनी है उससे, ठीक है जी। फिर आपने कहना है ओके थैंक्स फॉर प्लेसिंग दी ऑर्डर, व्हेन यू विल रिसीव योर प्रोडक्ट लेट मी नो, कि जब आपको आपकी प्रोडक्ट रिसीव हो जाए तो मुझे जरूर बताइएगा, ताकि उसके बाद का प्रोसीजर एक होता है। आपने उसे ये कह दिया कि जब आपको आपकी प्रोडक्ट मिल जाए मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। उसने कहा ओके, उसने कहा ओके। अब आगे आ जाते हैं।
अच्छा जी, उसने कह दिया ओके, तब आपका काम तब थोड़ी देर के लिए खत्म हो गया। ओके कह दिया उसने, थोड़ा सा काम खत्म हो गया है। वो कुछ दिनों बाद आया, 2-3 दिनों बाद उसने दोबारा आपको मैसेज किया कि हे आई हैव रिसीव्ड माय प्रोडक्ट, कि मुझे मेरी प्रोडक्ट मिल गई भैया। ठीक है जी, फिर आपने उसे कहना कि यूज दिस प्रोडक्ट फॉर 7 डेज एंड आफ्टर यूजिंग फॉर इट फॉर 7 डेज देन पोस्ट रिव्यू। 7 दिन इस प्रोडक्ट को यूज करें, 7 दिन इस प्रोडक्ट को यूज करें और 7 दिनों के बाद इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू दे दें। वो कहता है ओके आई हैव पोस्टेड रिव्यू। अब वो 7 दिनों बाद आया है, 7 दिन उसने प्रोडक्ट यूज किया है, 7 दिनों बाद आया उसने ओके लिख दिया, 7 दिनों बाद आया वो, और उसने कहा कि मैंने एक रिव्यू पोस्ट कर दिया है और वो लाइव हो जाएगा 1 और 2 दिनों में। आपने कहा ओके, रिव्यू लाइव हो गया जी, 2 दिनों बाद रिव्यू लाइव हो गया। उसने रिव्यू की स्क्रीनशॉट सेंड कर दी। वैसे अगर आप उसे कह दें कि मुझे रिव्यू की स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, तब ज्यादा अच्छी चीज होती है। आपने उसे कहा जब आपका रिव्यू लाइव हो जाए ना, तो मुझे एक रिव्यू की स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। आपने कह दिया उसे, उसने आपको एक रिव्यू की, रिव्यू लाइव होने के बाद उसने आपको एक रिव्यू की स्क्रीनशॉट सेंड कर दी। आपने क्या करना है इसके बाद, आपने अपने प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर के पास जाना है और कहना है कि चेक करे कि ये जो रिव्यू है वो लाइव हो गया या नहीं हो गया। बेसिकली प्रोसीजर वाला क्या होता है, आपका जो प्रॉक्सी मार्केटर होता है ना, जब आप अपने प्रॉक्सी मार्केटर को इसकी ऑर्डर आईडी दे देते हैं या उसकी शीट के ऊपर, उसने ना आपको एक शीट दी होती है जिसमें आप उसकी ऑर्डर आईडी नंबर प्लेस करते हैं, कब उसने ऑर्डर किया वो डेट प्लेस करते हैं, उसका नाम प्लेस करते हैं और उसकी पेपल आईडी वहां पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है जी, शीट के अंदर। तो जब वो रिव्यू लाइव हो जाता है ना, तो आपका प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर खुद ब खुद उस शीट को ग्रीन कर देता है कि ये रिव्यू लाइव हो गया हुआ है, ठीक है जी। तो आपका बायर भी आपको सेंड कर देता है कि मैंने रिव्यू दिया है। जब आपका बायर आपको सेंड करेगा कि मैंने रिव्यू दे दिया हुआ है, तो आपने शीट पे जाना है जो आपकी प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर की शीट होगी, और जाके देखना है कि क्या वाकई में मेरे प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर ने इस रिव्यू को ग्रीन कर दिया या नहीं कर दिया। ग्रीन होने का मतलब ये है कि रिव्यू लाइव हो गया हुआ है, ठीक है जी। तो आपने दोनों जगह से कंफर्म कर लिया, आपने कहा ओके थैंक यू, यू विल रिसीव योर रिफंड इन 48 to 72 business hours। अब आपका प्रॉक्सी मार्केटर, ये समझने वाली बात है, आपका प्रॉक्सी मार्केटर आपको कहेगा कि बायर को कह दो कि उसको रिफंड तकरीबन 28 to 40 working days में मिल जाएगा, बिजनेस आवर्स में मिल जाएगा। बिजनेस आवर्स कौन से होते हैं, मंडे टू फ्राइडे तक है। लेकिन आपने अपने प्रॉक्सी मार्केटर के बताए हुए टाइम से थोड़ा सा ज्यादा टाइम बताना होता है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, डिले हो जाता है, और अगर डिले हो जाए तब बायर आपके पीछे पड़ जाता है। तो आपने बायर को रेकमेंडेड टाइम से थोड़ा ज्यादा टाइम बताना होता है ताकि वो आपकी जान ना खाए। अगर आप उसे 24 घंटे बता देंगे, 24 घंटे बाद कोई प्रॉब्लम आ गई है, बायर आपका प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर कहता है कि नहीं अभी थोड़ी देर रिव्यू डिले हो गए हैं, आपने बायर को बताना है कि रिव्यू डिले हो गए हैं, उसने आपकी जान खा लेनी है, उसने कहना कि आप कोई एक है फ्रॉड है, आप कोई आप स्कैमर हैं, वो आपके खिलाफ पोस्टें भी लगा सकता है। तो इसलिए आपने बताना कि 48 to 72 business hours, ठीक है जी, तो 24 घंटे ज्यादा ही बताने हैं आपने अपने रिकमेंडेड टाइम से। उस आपने कह दिया ओके, उसने कह दिया ओके। फिर आपका जो प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर है, उसने जब देखा कि वो देखेगा कि मेरा जो प्रॉक्सी मार्केटर है, लेट्स सपोज XYZ है, उसने ये ऑर्डर प्लेस करवाया था, ये बायर था, इसने रिव्यू दे दिया हुआ है, इसका रिव्यू लाइव हो गया हुआ है, तो आपका प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर फिर उसको रिफंड कर देगा। और आपने यहाँ पे इसको एक और चीज कहनी है कि सेंड मी दी स्क्रीनशॉट ऑफ योर रिफंड व्हेन यू विल बी रिफंडेड, कि जब आपको रिफंड मिल जाए तो मुझे जरूर कंफर्म कीजिएगा। तो उसने कंफर्म करने के लिए आपको एक स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया। आपने कह दिया कि आखिर में आपने कह देना कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बिजनेस करने में बहुत मजा आया, और आगे भी चल के अगर आपको कोई हमसे प्रोडक्ट चाहिए हो तो हमसे ही कॉन्टेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इस तरह ही आपकी एक टीम बनती है बायर की। अब आपने इस बायर को अपने प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर के थ्रू टाइमली रिफंड करवा दिया, और ये एक प्रोफेशनल बायर है, ये तो आपके साथ कंफर्म हो जाएगा, ये आपका पक्का बायर बन जाएगा। आप ये आपको कहेगा कि मुझे और भी प्रोडक्ट सेंड करो, तो ये तो भी पक्का बायर बन जाएगा ना। इसी तरह और भी बायर होंगे, वो आपके पक्के बायर बन जाएंगे। इस तरह करते करते आपका एक एसेट बन जाएगा, आपकी बायर्स की एक टीम बन जाएगी। फिर उस सब बायर, आपको पता होगा कि ये बायर मेरे ऐसे बायर्स हैं कि जब भी मैं इनको प्रोडक्ट देता हूँ तो वो मिनट में मेरी प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्योंकि इनका मेरे पर एतमाद हो गया हुआ है। चाहे वो अंग्रेज है, उनको पता है कि पाकिस्तान ही ज्यादातर प्रॉक्सी मार्केटिंग करते हैं, ठीक है जी। तो आप उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे और आप
आप उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, आपने आपके पास जब भी कोई प्रोडक्ट आई आपने उनके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया और आपको रिव्यूज मिल जाने उस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है जी, ये सिंपल सा सोल्यूशन है, सिंपल सी, मतलब इससे ज्यादा सिंपल कोई तरीका नहीं है कि जिससे हम लोग इतनी ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकते। जी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए।